नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका दौरे के लिए भारत की T20 टीम में कौन कौन से प्लेयर खेलने के लिए जाने वाले हैं श्रीलंका दौरे के लिए, चलिए जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, श्रीलंका दौरे के लिए सूर्य कुमार यादव भारत की टीम के कप्तान होंगे T20 फॉर्मेट में। वहीं पर सुमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। SSV जायसवाल की बात करें तो ओपनर के रूप में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर रिंकू सिंह को भी मौका मिला है। रियान प्राग, जिनका IPL में परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था राजस्थान रॉयल की तरफ से। ऋषभ पंत की बात कर ले, विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में आपको शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस था, उसी तरीके से आने वाले मैचेस में भी ऋषभ पंत कमबैक करते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन की बात करें, उनको भी मौका दिया गया है श्रीलंका दौरे पर विकेट कीपर के रूप में और बैट्समैन के रूप में। हार्दिक पांड्या, जो कि एक ऑलराउंडर है, उनको कप्तान बनाया जाने वाला था, लेकिन वह सिंपल प्लेयर के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों। वहीं पर शिवम दुबे की बात कर ले, शिवम दुबे भी खेलते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल की बात कर ले, जो कि शानदार परफॉर्मेंस था T20 वर्ल्ड कप में उनका। वासीगढ़ सुंदर की बात कर ले, उनको भी मौका दिया गया है। रवि बिश्नोई की बात कर लेते हैं, रवि बिश्नोई जिनका जिम्बाब्वे के दौरे पर शानदार परफॉर्मेंस था, काफ़ी सारे विकेट भी लिए थे उन्होंने, इसी वजह से उनको श्रीलंका दौरे पर मौका भी मिला है। अर्शदीप सिंह की बात कर ले, उनको भी मौका मिला है। खलील अहमद की बात कर ले, उनको भी मौका मिला है दोस्तों। और श्रीलंका दौरे पर सबसे मेन और मजबूत बॉलर हैं मोहम्मद सिराज। श्रीलंका दौरे पर जाते ही मोहम्मद सिराज को कुछ जादू सा हो जाता है और श्रीलंका बैट्समैन को धराशायी कर देते हैं। हाँ जी दोस्तों, T20 फॉर्मेट के लिए श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की तरफ से मौका मिला है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और सुमन गिल की उपकप्तानी में कैसी परफॉर्मेंस करती है भारतीय टीम, भारत की नए युवा टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है और आने वाले मैचेस और आने वाले वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल गेम और क्रिकेट मैच को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।